दोस्तों, आज मैं आपको सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड के बारे में बताऊंगा, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड होता है, ये बड़े काम का होता है। इसमें हम फैन की बाइंडिंग, मोटरों की बाइंडिंग, या शॉर्ट सर्किट, या कहीं से सर्किट ओपन है को चेक कर सकते हैं। ये रिपेयरिंग में आमतौर पर यूज़ होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सर्किट डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये जो रेड वाली लाइन है, ये फेज है, और ब्लैक वाली न्यूट्रल, ये जो फ्यूज़ से होती हुई स्विच में गई है, और फ्यूज़ से ही हमने इंडिकेटर में एक वायर दी है, और स्विच से एक हाफ सॉकेट में, जो सीरीज सॉकेट है, उसमें दी है, और यहाँ से हमने हाफ एक बल्ब को दी है। ये देखिए, सर्किट के अकॉर्डिंग आप कनेक्शन कर सकते हैं। और इसी स्विच से हमने उठा के दूसरे स्विच को दी है मेन फेज, और यहाँ से हाफ हमने सॉकेट को दिया है, और ये जो न्यूट्रल है, हमने डायरेक्ट दूसरी सॉकेट में, और वहाँ से बल्ब को, और बल्ब से होती हुई इंडिकेटर को, क्योंकि इंडिकेटर, बल्ब और जो पैरेलल सॉकेट है, उसके लिए न्यूट्रल चाहिए होता है। और ये जो हमने टेस्ट लीड बनाई है, या 2 पिन प्लग के साथ, ये मल्टीमीटर की प्रॉब की तरह काम करती है। जब इन्हें इन्हें हम सीरीज सॉकेट में डालते हैं और आपस में टच करते हैं, तो बल्ब जगता है। दोस्तों, सीरीज सॉकेट पे आप सीरीज के लिए कोई सिंबल बना सकते हैं, या एस लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कौन सी सॉकेट सीरीज है। आप भूल कर पैरेलल में डाल के इन दो तारों को आपस में टच ना कर लें, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा इससे कैसे टेस्टिंग की जाती है। ये देखिए, ये हीटर की रॉड है, हम इसे दोनों छोर पर जब छुएंगे तो ये बल्ब ग्लो करेगा, मतलब इसका फिलामेंट ओके है, ये ट्यूब काम करती है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप और भी चीज़ों को चेक कर सकते हैं।